ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शशिकांत दुबे, आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आईटीवी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। हमारा खास कार्यक्रम आपका जनसदन कार्यक्रम में आज पहली बार लेकर आए हैं आपके सामने धर्म गुरुओं का संत समागम। संत सदन में हमारे साथ हैं वृंदावन से डॉक्टर स्वामी राधाकांताचार्य जी महाराज, हमारे साथ हैं गीता भवन देहरादून से आचार्य भगवती प्रसाद थपलियाल जी, हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य सुभाष चमोली जी, सह सचिव उत्तराखंड विद्वत सभा, हमारे साथ हैं आचार्य चंद्र प्रकाश ममगाई जी, महासचिव उत्तराखंड विद्वत सभा, हमारे साथ हैं आचार्य विजेंद्र प्रसाद ममगाई जी, प्रवक्ता उत्तराखंड विद्वत सभा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। इस समय श्रावण का महीना चल रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, चारों तरफ कोरोना कोविड 19 का कहर जारी है, संपूर्ण धरा पर त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे में हमारे इस संत समागम संत सदन कार्यक्रम में किस प्रकार से भगवान जी की आराधना करें इस पर चर्चा करेंगे, कैसे कोरोना से बचा जाए इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य सुभाष चमोली जी अपना मंतव्य रखेंगे। आदरणीय सुभाष चमोली, जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा में और हमारी वैदिक परंपरा में श्रावण मास का बहुत और विशेष महत्व है। इस श्रावण मास में हमारे पुराणों में इस श्रावण मास की बहुत महत्ता बहुत महिमा को गाया गया है। प्राय हम लोग कथा के माध्यम से जानते हैं कि इसी श्रावण मास में माँ भगवती पार्वती जी ने भगवान महादेव को प्राप्ति के लिए अमोघ साधना करी और इसी मास में प्रसन्न होकर के महादेव ने पार्वती जी का वरण किया। उसी काल से शिव काल से ही ये परंपरा चली आई है और आज भी सौभाग्यवती स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए जिन जो कन्याएं अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं वो भगवान शिव का विशेष रूप से इस पवित्र मास में सोमवार का व्रत करती हैं, इस श्रावण मास में शिव की आराधना करती हैं। आप हम सभी लोग जानते हैं कि यद्यपि हमारी सनातनी परंपरा में अनन्य प्रकार के देवी देवताओं का विधान है, उनके स्वरूप का पूजन किया जाता है, लेकिन भगवान महादेव भूत भावन जो भोलेनाथ हैं हमारे भारतवर्ष में नहीं अभी तो समस्त विश्व में महादेव का विशेष प्रकार से यजन पूजन किया जाता है। हमारे देवता अलग अलग स्वभाव में बंधे हैं, जैसे भगवान नारायण शांताकारम शांत स्वभाव के हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक अलग स्वरूप है, राम जी का एक अलग स्वरूप है, लेकिन जहां महादेव की बात आती है तो सारे नामों को छोड़ करके महादेव के एक नाम को पकड़ लिया जाता है, वो नाम है महादेव का भोलानाथ। और भोले का मतलब होता है कि जो बहुत सरल है, जिनमें रद्दी भरे भी वो जो भी महादेव का यजन श्रावण मास में करता है तो रद्दी भरे भी महादेव विचार नहीं करते कि क्या वह योग्य है अयोग्य है, पात्र अपात्रता का भी महादेव भान नहीं करते। और जो जिस कामना से इस पवित्र श्रावण मास में शिव से जुड़ता है, शिव आराधना करता है, शिवार्चन करता है, शिव संबंधी स्तोत्र मंत्रों का जाप पठ पाठ यज्ञ हवन इत्यादि करता है, उन्हें शिव अनन्य गति को प्राप्त करते हैं। आचार्य जी, मैं चाहूंगा वृंदावन, वृंदावन से डॉक्टर स्वामी राधाकांताचार्य जी हैं। आचार्य जी आप अपना मंतव्य रखें। स्वामी जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। श्रावण मास में कैसे कोरोना से बचा जाए, कैसे भगवान जी का अर्चन बंदन किया जाए? देखिए, जो
यह कोरोना काल जो यह चल रहा है, यह संपूर्ण विश्व जो है कोरोना है। में सावन पर चर्चा होगी, दूसरे चरण में हम कोरोना पर आएंगे, तो सावन पर आप चर्चा करेंगे। जी जी, तो यह जो श्रावण मास जो चल रहा है, जो हमारे यहाँ भारतीय वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों के अलग अलग देवताओं, अलग अलग देवता अलग अलग महीनों के अधिष्ठाता हैं। इस श्रावण मास विशेषता है, इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ भूत भावन कैलाश निवासी, जिनकी उपासना का विशेष महत्व जो है शास्त्रों में प्रतिपादित है, उन शास्त्रों में इस श्रावण मास में यह कहा गया है कि व्यक्ति विशेष कामना से, चाहे जो भी कामना हो, उन कामनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि भगवान शिव की इस श्रावण मास में उपासना करता है तो तत्लभते फलम, वह फल उसको प्राप्त होता है, ऐसी इस श्रावण मास की विशेषता है। वैसे भागवत जी के आधार पर हम जब देखें तो भगवान भोलेनाथ को जो है विद्या कामम तु गिरिशम, देवताओं के प्रमुख आराधना के वर्णन के क्रम में आता है कि विद्या की उपासना करनी हो तो भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर विद्या के अधिष्ठात्री देवता हैं, ज्ञान के भंडार हैं, ऐसा शास्त्रों में भागवत जी में यह क्रम में वर्णन है। लेकिन भगवान विद्या के अधिष्ठात्री देवता भोलेनाथ तो हैं ही हैं, उसके साथ में भोलेनाथ अनेक मनवांछित फलों को देने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि यह श्रावण जो है, इस श्रावण में भगवान अन्य देवताओं के अलग अलग विशिष्ट उपासना की पद्धति वर्णित है। अनेक देवताओं के लिए राजोपचार, षोडशोपचार, समस्त प्रकार के प्रबंधनों का वर्णन किया गया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने सरल सहज हैं, इतने सरल सहज स्वभाव के भगवान भोलेनाथ हैं, जगत के हित के लिए उन्हें विशेष कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पाए, तो केवल एकमात्र जलाभिषेक के द्वारा ही भगवान जो है अनंत फल को प्रदान कर देते हैं। उस तरह से इस श्रावण मास में अनेक को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का विधान है। जैसे अर्थ की कामना हो तो व्यक्ति को इक्षु रस से, गन्ने के रस से इस श्रावण मास में एक महीने तक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे तो व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति को ज्ञान की कामना हो तो व्यक्ति जल का अभिषेक यदि भगवान भोलेनाथ को करे तो उससे ज्ञान प्राप्त होता है। स्वास्थ्य की कामना हो व्यक्ति को तो भोलेनाथ का अभिषेक इस श्रावण माह में कुश के जल से करता है, तो उससे क्या है कि कुश के जल से स्वास्थ्य लाभ उससे प्राप्त होता है। ऐसे ही इसी क्रम में अनेक प्रकार से इस श्रावण मास में शास्त्रोक्त अभिषेक का वर्णन किया गया है, अपितु यहाँ तक कहा गया है कि तंत्रों में जो है भगवान भोलेनाथ का यदि सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए तो शत्रु मारण भी संभव है। इस प्रकार से केवल भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक का है, यह अभिषेक का महत्व ही अत्यंत अद्भुत है, अकल्पनीय है। केवल भगवान के अभिषेक मात्र से ही संसार के जीवों के समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए यह श्रावण
मास उपासना का मास है, यह श्रावण मास आराधना का मास है, यह श्रावण मास अपने आराध्य को मनाने का मास है। इसीलिए इस श्रावण मास में समस्त साधक समस्त भक्त एकाकार हो करके एकाग्र चित से भगवान भोलेनाथ की सन्निधि में जा करके उनका अभिषेक जो है मन वाणी क्रम से श्रद्धा निष्ठा भक्ति के साथ करते हैं, जिससे कि वह उनका कल्याण तो हो ही हो, क्योंकि भगवान जो भोलेनाथ हैं क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसा वर्णन आया है कि भगवान तो कम ही स्थिति में प्रकट हो जाते हैं। स्वामी भगवान के ऊपर करते हैं। स्वामी जी मैं पुनः आपके पास आऊंगा, हमारे साथ हैं आचार्य चंद्र प्रकाश मंगाई जी, आप अपना मंतव्य रखेंगे। जी धन्यवाद करूंगा मैं आचार्य श्री दुई जी का, और धन्यवाद करता हूं मैं आईटीवी हिंदुस्तान चैनल का, जिनके माध्यम से आज यहां पर धर्म सदन के माध्यम से हम जितने भी हमारे दर्शकगण बैठे हुए हैं और इस चर्चा पर आप सभी लोग मनन कर रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। चर्चा चल रही हमारी श्रावण मास की, जो कि वर्तमान में हमारा श्रावण मास वर्तमान में चल रहा है, चांद्रमान से और सौरमान से दोनों तरह से हमारा श्रावण का मास प्रारंभ हो चुका है, पर्वतीय क्षेत्रों में भी और मैदानी क्षेत्रों में भी दोनों तरह से श्रावण का मास। तो पूर्व में भी जैसे कि हमारे वक्ताओं ने श्रावण मास के बारे में आप सभी दर्शकों को अवगत कराया बहुत ही सुंदर ढंग से, मैं आज श्रावण मास के बारे में आपसे बताना चाहता हूं सभी लोगों से सभी दर्शकों से कि जो श्रावण का मास है, इस मास में जो प्राकृतिक जो सौंदर्यता है, जो प्राकृतिक जो हरियाली है, जो जल है, जो जल के स्रोत हैं, वो हमने आजकल की भाषा में कहें तो निःशुल्क हम उनसे ग्रहण करते हैं, हम उसके बदले में देते क्या है, कुछ नहीं देते, केवल उनकी कृतज्ञता प्रकट करने का एक यह मास है श्रावण का महीना। और इससे पहले जो आषाढ़ का महीना होता है उस महीने से वर्षा ऋतु हमारी आरंभ हो जाती है, और वर्षा ऋतु में आरंभ होने से क्या होता है कि जितने भी हमारे हरी सब्जियां होती हैं अधिक वर्षा होने से उनमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि आदि व्याधियां हो जाती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सावन के महीने में अधिक हरी सब्जी हरी पत्तियां इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर नवग्रह का चक्र है, और नवग्रह के चक्र में हम लोग कहीं ना कहीं विचलित रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने को प्रभावित मानते हैं। जिस प्रकार से मान लिया जाए सावन का महीना है, किसी भी भक्त की किसी भी व्यक्ति की अगर सूर्य की दशा वर्तमान में चल रही हो, एक ज्योतिषीय अंक के आधार पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की अगर सूर्य की दशा चल रही हो, तो सूर्य की दशा में क्या होता है कि एक तो सिर में दर्द रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, आंखों पर दर्द रहेगा, तो इस दर्द के निवारण के लिए हमको चाहिए कि वर्तमान में जो श्रावण का महीना है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के और आंख के फूलों का रस लेकर के और आग के पत्तों को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं और आग के फूलों से भगवान शंकर जी का भोले जी का अभिषेक करें, तो हमारी जो सूर्य की दशा है, जो विकट दशा है, जो कठिन दशा है, उससे हम निवृत्त हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए किसी की चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो मन के देवता चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा की दशा में क्या होता है कि मानव को खांसी जुकाम नजला और मानसिक परेशानी रक्तचाप अधिक बढ़ जाना, ये सब चीजें इनसे मानव परेशान रहता है, विचलित रहता है। तो इसके निदान के लिए काले तिल जल में, गंगा जल में काले तिल डाल करके और दूध मिश्रित करके और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से चंद्रमा के द्वारा जो हमारा शरीर व्याधित हो रहा है उससे निवृत्ति हो सकती है। तदनंतर अगर मंगल की दशा किसी की आती है, तो उस दशा में क्या होता है कि रक्त का चाप हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जिसको जी आचार्य जी हमारे साथ आचार्य विजय मंगाई जी है, मैं उनको अवसर देना चाहूंगा, पुनः आपके पास आऊंगा। जी आचार्य विजय मंगाई जी धन्यवाद, मैं आचार्य विष्णु साहब मंगाई प्रवक्ता उत्तराखंड युद्ध सभा, आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेशवासियों को प्रणाम। बड़ा सुंदर विषय है आपने श्रावण मास के बारे में पूछा। इस श्रावण मास अलग थलग पड़ गया था, सारे महीनों में बड़े त्योहार आते थे, बड़े प्रसन्नता से संसार में जीते थे, लेकिन श्रावण मास होता हुआ भगवान शंकर के पास गया और कहने लगा महाराज मेरे भी कुछ व्रत कोई त्योहार कोई पूजा नहीं होती है,
मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। भगवान शंकर ने कहा जिसको संस्कार संसार छोड़ देता है उसको मैं अपना लेता हूं, जाओ तुम अपने स्थान पर रहो और इस मास में मैं अपने गणों के सहित माँ पार्वती के सहित इस धरातल पर आऊंगा और प्रत्येक पिंडी में स्वामी सज्जननाथ यावत पूजा अवसानकम तावकम प्रीत भावे लिंगस्मिन सन्निधो हुआ। इस भावना के साथ जब भक्ति की प्रीति देखते हैं तो भगवान उस पिंडी में स्थित हो जाते हैं और पूरे श्रावण मास में उस पिंडी में जो है रहते हैं, भक्ति की जो है आराधना को स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मास में सूर्य भगवान कर्क राशि में आते हैं और ये कर्क राशि चंद्रमा, इसका राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा के साथ सूर्य का मिलन से भगवान सूर्य प्रचंड तेज वाले हैं लेकिन उनमें आर्द्रता आ जाती है और दोनों के संयोग से जल तत्व की वृद्धि होती है और साथ साथ में भगवान शिव के मिलन से उनके पूजन करने से संसार में जीव जंतु प्राणी मात्र की सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव जल को बरसाते हैं। तो आचार्य मंगाई जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गीता भवन देहरादून से आचार्य भगवती प्रसाद थपलिया जी हैं। आचार्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आचार्य भगवती प्रसाद थपलिया जी, हाँ जी पहुंच रही जी। हाँ, आप सावन मास पर अपना मंतव्य रखें। ये हमारे कार्यक्रम संत सदन में सावन मास पर अपना मंतव्य रखें स्वामी जी। सबसे पहले मैं आप सभी संतों के इस समागम दिवस पर श्रावण मास के विषय पर आप सबको बधाई देता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। उत्तराखंड विद्वत सभा का मैं पूर्व प्रवक्ता और इस समय गीता भवन और श्री दरबार साहिब में मैं सेवा दे रहा हूं। आपने बहुत सुंदर श्रावण मास के विषय में चर्चा रखी और उस पर आप सभी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि श्रावण का महीना यद्यपि हर महीना अपने में बहुत प्रभावशाली है और हमारे यहाँ शास्त्रों में जो 12 महीने हैं उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण मकर संक्रांति 14 जनवरी से प्रारंभ होता है और यहाँ तक ये श्रावण की कर्क संक्रांति से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण का महत्व भगवान शिव की आराधना से है और तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर भगवान शिव के बारे में लिखा है, शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीता। अरे जिस शंकर भगवान को सुर देवता नर ऋषि मनुष्य सब प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में जाएगा अगर मनुष्य तो निश्चित ही उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। और 16 उपचार विधि से भगवान का अभिषेक किया जाता है। हमारे यहाँ वर्णन आता है कि जो जिस देवता की आराधना करता है पहले उसी की तरह बनना पड़ता है, उसकी तरह बनिए, भगवान शिव के रूप की तरह आप त्रिपुंड धारण कीजिए, आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, आप अपने मूलाधार चक्र से लेकर और आपका जो सप्तम चक्र है ब्रह्मरंध्र तक भगवान शिव को उन चक्रों में आप आह्वान कीजिए। पारमार्थिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर दोनों ही शरीर में आप इस लोक और परलोक दोनों की कामना के लिए इस यह लोक के सुखम भुक्ता, इस लोक में भी सुख हो और परलोक में भी सुख हो, उसके लिए हमें निरंतर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और कालिदास जी ने सुंदर सुंदर लिखा है, वागर्था भी संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान शिव और पार्वती ये तो जगत के माता पिता है और ऐसे माता पिता की शरण को छोड़ करके अगर जीव इधर उधर भटकता है तो फिर उसे जीवन में शांति कहाँ मिलेगी। श्रावण में बहुत प्रकार से भगवान के अभिषेक का वर्णन आता है और आप चैनल के माध्यम से सभी को समय की इसमें निश्चितता दी गई है कि भाई थोड़ा थोड़ा सबने बोलना है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश प्रदेश वासियों को श्रावण की बधाई देता हूं। और इस श्रावण में जैसे कि 2 प्रकार से हमारा श्रावण प्रारंभ हुआ, चंद्रमा के हिसाब से 6 जुलाई से प्रारंभ हुआ। आचार्य जी मैं पुनः आपके पास आऊंगा, अब मैं चलता हूं वृंदावन। आचार्य जी मैं पुनः आपके पास आऊंगा वृंदावन। आचार्य डॉक्टर स्वामी राधाकांताचार्य जी, वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है,
और इस COVID-19 कोरोना नामक वायरस से हम कैसे बचें, किस प्रकार से इससे निजात पाई जा सकती है, उस विषय पर आप अपना मंतव्य रखें। आचार्य डॉक्टर स्वामी जी। जी, मैं ये कहूंगा कि आईटीवी हिंदुस्तान के माध्यम से श्रावण मास में कोरोना काल के लिए कैसे उपयोगी हो, यह विषय हम सभी को समझना है। और हम सभी यह जानते हैं कि श्रावण मास उपासना का मास है, कर्मकांड का मास है, आराधना का मास है, और यह जो है अपने आराध्य के पूजन का मास है। तो वेदों में यह वर्णित है कि वेदों में अथर्व वेद के त्रिवि सूक्त का पाठ और उससे हवन किया जाए तो अनेक प्रकार के महामारियों को वह नष्ट करता है। इसके लिए समाज के व्यक्ति तो तत्पर ही हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी इस संबंध में जानना चाहिए और जान करके इसमें तत्काल जो है यह निर्णय करना चाहिए कि यह जो कोरोना है यह कोई सामान्य महामारी नहीं है, तो यह दैवीय प्रकोप है। तो इस दैवीय प्रकोप में कोई दवा कोई वैक्सीन कुछ भी काम नहीं करेगा। एक तो यह केवल जो भी विषय वैक्सीन या चाहे जो भी दवाइयां बनाई जाएंगी ये सारे के सारे लोगों को बड़गलाने के लिए है। वस्तुतः यह एकमात्र जो है केवल उपासना और आराधना से ही मिटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अविलंब भारतीय संस्कृति की तरफ, भारतीय वैदिक सनातन धर्म की तरफ देखना चाहिए और उस भारतीय वैदिक धर्म की शरण में जाकर के जहां पर अनेक महामारियों को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो वर्णन आया है, जिन यज्ञ अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, उन यज्ञ अनुष्ठानों को तत्काल सरकार अपने फंड और बजट के द्वारा देश के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक जिलों में और प्रत्येक ग्रामांचलों में किया जाना चाहिए। यदि यह सरकार इस कार्य को करती है तो इससे अविलंब ही भारतवर्ष से कोरोना मुक्त हो जाएगा, वरना सरकार एड़ी चोटी लगा ले, चाहे कितने प्रकार की भी वैक्सीन क्यों नहीं लगा ले, यह वैक्सीन केवल जनमानस को ठगने वाला ही साबित होगा, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। यदि एक लाभ होगा तो मात्र भगवान की उपासना है, भगवान की आराधना है, जिससे संपूर्ण जनमानस लाभान्वित होगा। और यह श्रावण मास आया है, इसमें हम यदि भगवान रुद्र का अभिषेक करते हैं, हवन करते हैं, कोरोना के निमित्त भारत सरकार जाकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में बैठ करके, और यह अभी चतुर्मास चल रहा है तो कार्तिक तक यह अलाउ करे कि प्रत्येक भारतवर्ष के ग्रामों में जाकर के इस देश के विद्वान पंडित याज्ञिक कर्मकांडी संत महात्मा सभी उस वेद के तमाम अध्यायों में वर्णित जो कोरोना को नाशक जो यज्ञ हैं उन यज्ञों को किया जाए, तो अविलंब यह गारंटी के साथ, घोषणा के साथ कह रहा हूं कि 2 महीने से तीसरा महीना नहीं होगा और भारत का समस्त जनमानस स्वस्थ हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, भारत की आर्थिक प्रगति बढ़ेगी, भारत की मानसिक स्थिति अच्छी होगी, भारत के जो भी शत्रु हैं उनका पराभव होगा। लेकिन यह विषय जो है उच्च सिंहासनों पे बैठे हुए पदलुलुप लोगों को, हमारे समाज के जो प्रतिनिधि वर्ग हैं जिन्हें वेद का ज्ञान नहीं है, जिन्हें सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग हमारे राष्ट्र की जो अग्रदूत बन करके आगे बढ़ करके जो भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्हें वेद की शरण में जाना पड़ेगा, हमारे आचार्यों के शरण में जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तो अविलंब ही यह हमारे भारत से कोरोना दूर हो जाएगा, हम सब मुक्त हो जाएंगे। अरे हमने तो वेदों में कि महादेव के केवल आराधना मात्र से
एक से एक मायावी असुरों का दहन हुआ है, एक से एक बड़े बड़े राक्षसों का मर्दन हुआ है, तो यह कोरोना भी एक उसी तरह के ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा किया गया जो उन्माद है, उन्हीं उन्मादों से निकला हुआ यह भी एक कण बिंदु है जो जन जन तक वायरस के रूप में व्याप्त हो रहा है। इसीलिए मैं पुनः बार बार कहूंगा, भारत सरकार से, समस्त राज्य सरकारों से कहूंगा कि इस विषय में ध्यान दें, वरना इस भारत में बहुत बड़ा भूकंप आने की तैयारी है। यदि राज्य सरकार, भारत सरकार नहीं से सचेत होती है, इस विषय में वैदिक धर्म को अपनाते हुए प्रत्येक राज्यों में तदनुकूल वर्ण व्यवस्था नहीं तो व्यवस्थित करती है, तो इसका और इसके एकमात्र जिम्मेदार भारत सरकार होगी, इसके एकमात्र जिम्मेदार स्वामी जी समय की अपनी गरिमा होगी, समय की मर्यादा। पुनः मैं आपसे जुड़ूंगा स्वामी जी, मैं अब चलूंगा आदरणीय सुभाष चमोली जी के पास। यह कोरोना के निमित्त अपना समय की मर्यादा में रहते हुए कुछ कोरोना पर अपना मंतव्य रखेंगे। आदरणीय सुभाष जी। जी, जैसा कि आप हम सभी लोग वर्तमान में परिस्थिति में देख रहे हैं कि कोरोना महामारी समस्त विश्व में व्याप्त होकर के और एक भीषण महामारी का रूप धारण कर चुकी है, जिससे कोई भी देश अछूता नहीं है और सब इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसा ही काल शिव काल में भी था कि जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया था और उस समुद्र मंथन के काल में भी कालकूट नाम का विष निकला था और उस विष का भी इतना प्रभाव था कि वो वायु का स्पर्श होकर के जहां जहां जाता वहीं सबको अचेतन कर देता और वहीं उनको प्रभावित कर देता। हम लोग आस्थावान देश में रहते हैं तो हम लोग भी आस्था महादेव से रखते हैं कि जैसे 2-3 महीने पूर्व से ये कोरोना काल चल रहा है, हम श्रद्धा महादेव के चरणों में रखते हैं कि महादेव भी इस जिस प्रकार से महादेव ने उस हलाहल कालकूट विष से समस्त देव दानव मानव जाति को रक्षण किया था, उसी प्रकार से महादेव इस काल में भी हम सबका रक्षण करेंगे। आप हम सभी लोग जानते हैं कि महादेव शिव पुराण के अनुसार दो स्थितियों में रूप धारण करते हैं, रूपयित्वा सकलस्तत्र तस्मा सकल निष्कलः निष्कलत्वा निराकारः लिंगम च लिंगम तस्य समागमम्। कहा कि भगवान शंकर दो प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं, एक तो सकल साकार रूप में है और एक निर्गुण निराकार रूप में है, जो लिंग रूप में हमको प्रतिष्ठित रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन जहां इस श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा का विधान हम लोग सनातनी लोग करते हैं तो लिंग को भी 5 भागों में भेद किया। इसमें कहा कि स्वयं भूर लिंग प्रथमं बिंदु लिंगं द्वितीयकं प्रतिष्ठितं चरम चेवा गुरु लिंगं च पंचमं। इन 5 लिंगों में प्रथम तो स्वयं भूर लिंग कहा, दूसरा जो ऋषियों के द्वारा जो चर लिंग है, चर लिंग में कहा कि जो ये बिंदु लिंग है, बिंदु लिंग में स्थावर और जंगम दोनों आते हैं। स्थावर का मतलब है कि जो अपनी जगह स्थिर है, जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं, और जंगम का अर्थ है जो एक जगह से दूसरी जगह गतिमान है, जैसे मानव जाति है, जीव है, जंतु है, तो इन सब की सेवा करना भी शिव पूजा ही है। इस काल में एक तरफ जहां ये महामारी, जहां हम लोग 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां ये रोग पनपना शुरू हो जाता है, तो हम लोग मानव जाति की भलाई के लिए, जीव जंतु की भलाई के लिए, पेड़ पौधों की भलाई के लिए अगर इस सेवा को हम स्वीकार करते हैं, इसको अपनाते हैं, तो एक पक्ष ये भी है कि इस पक्ष से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से हम लोग हर प्रकार से मानव जाति के रक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ चंद्र प्रकाश मंगाई जी हैं, अपना मंतव्य कोरोना विषय पर रखेंगे, कोरोना से कैसे बचा जाए, कैसे शिव जी की पूजा की जाए ग्रहों के अनुसार। जी धन्यवाद पुरुषोत्तम महोदय आचार्य श्री दुई जी का पुनः अवसर दिया दो शब्द बोलने का। तो जैसे मैंने पूर्व में आपसे समस्त दर्शकों को बताया था कि चंद्रमा की दशा के आधार पर किस तरह से आदि व्याधियां शरीर को प्रभावित करती हैं और उसका परिणाम क्या होता है, किस तरह से उसका निदान किया जाता है,
तदनंतर मंगल की दशा जब आती है तो उसमें क्या होता है कि रक्तचाप हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, रुधिर भवन होने लग जाता है और जिसको हम आजकल की भाषा में बीपी बोलते हैं, तो उसका अधिकांश बढ़ना मंगल की दशा में होता है। उसके निदान के लिए हम मिलकर के गिलोय का रस को लेकर के और गंगा जल में डाल करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल की जो हमारी वर्तमान में दशा चल रही है, हमारे ऊपर जो दशा आ रखी है, उसका निदान हो सकता है। तदनंतर बुद्ध की दशा अगर किसी भी भक्ति की है तो उस बुद्ध की दशा में क्या होता है कि चर्म रोग शरीर के अंदर कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी ये सब चीजें होती हैं, चर्म रोग होने लग जाता है और अधिकांशतः गुर्दे की बीमारी, गुर्दे से आदमी ग्रसित होने लग जाता है और नाड़ियों में सिकुड़न आने लग जाती है, नाड़ियों में दर्द होना महसूस होने लग जाता है। तो उसके निदान के लिए विदारा एक औषधि होती है, उसकी जड़ी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से चर्म रोग और नाड़ी रोग इससे हमको निजात मिल सकती है। तदनंतर अगर किसी भी भक्त की बृहस्पति की दशा आती है तो उससे संबंधित जैसे चर्बी संबंधित कोई आदि व्याधि शरीर के अंदर हो जाए, शरीर फूल जाए, शरीर के अंदर चर्बी भर जाए और आंत में लीवर में दिक्कत आने लग जाए तो समझ लीजिए कि ये बृहस्पति की दशा के आधार पर हो रहा है। उसके लिए हमको चाहिए कि गंगा जी के जल में पीला चंदन मिश्रित करके और जो गौ श्रृंगी होती है जिससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है उससे हम रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति की जो दशा है उस दशा से हम निदान पा सकते हैं। तदनंतर शुक्र की दशा जब किसी के ऊपर आ चुकी हो तो उसमें क्या होता है कि चाहे स्त्री हो पुरुष हो मानव जाति में कोई भी हो तो शुक्र की दशा आने पर उसके अंदर क्या होता है कि एक तो गुप्त रोग की चिंताएं उसको सताने लग जाती हैं, शारीरिक जो उसकी क्षमता है बोलने की चलने की और कार्य करने की जो क्षमता है उसमें शिथिलता कमजोरी उसको महसूस होने लग जाती है। उसके लिए क्या चाहिए कि शहद और घी या फिर पंचामृत के माध्यम से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह का जो हमारे ऊपर प्रकोप है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। तदनंतर शनि की दशा किसी की आती है तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, वात पित्त विकार हमारे शरीर के अंदर हो जाता है तो उसके होने से गन्ने का रस को लेकर के अगर हम अभिषेक करते हैं कि शनि की दशा समाप्त हो जाती है, उसका कष्ट दूर हो जाता है। तदनंतर राहु और केतु की दशा होने पर क्या होता है कि सिर में हमारा चक्कर आना शुरू होता है, मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं, हमारे शरीर में अर्धरंग अर्थात आधा शरीर हमारा काम करना बंद कर देता है तो इस दशाओं के कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए हमको चाहिए कि अमृत संजीवनी या भांग या धतूरे का अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को अगर हम अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना नाम की जो या संक्रमण की जो बीमारी है निश्चित रूप से उससे भी हम निदान पा सकते हैं, हमारे इस विश्व का कल्याण हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है और अधिकांश हम जो है भगवान भोलेनाथ की शरण में अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शंकर हमको जो है अपने चरणों का पान करा करके हमारे सारे दुखों को कष्टों को दूर कर सकते हैं। संत सदन के द्वितीय चरण की चर्चा में आचार्य विजय प्रसाद मंगाई जी अपना विचार रखेंगे कोरोना विषय पर, कोरोना से कैसे बचा जाए समय को देखते हुए। स्वामी जी धन्यवाद। आचार्य महोदय मेरा श्रावण मास हल्का से बिंदु रह गया था। पुराण के अनुसार भगवान सूर्य 8 महीने जल को संग्रह करते हैं और 4 महीने 2 महीने बरसात में 2 महीने हेमंत और बसंत ऋतु में उस जल को धरती को देते हैं और धरती को स्वच्छ रखते हैं कि भगवान शंकर ने कहा कि मैं जब धरती पर आता हूँ तो भगवान सूर्य अपनी सेवा सफाई के रूप में देते हैं। जहां तक बात है कि कोरोना महामारी के बारे में तो अकाल मृत्यु हो, ग्रहों का दोष हो और चाहे जल प्रलय हो जो जैसे 2013 में हमारे उत्तराखंड में आया था या अनेक देश के कई भागों में आया, जो आकाशीय बिजली का प्रकोप हो, सारे उद्योग शांति के लिए भगवान शंकर की पूजा की जाती है। लेकिन जैसे कोरोना महाकाल चल रहा है इसमें पार्थिव विधि के द्वारा दीमक की मिट्टी और या चावल के आटे के प्रयोग से गोबर के लिंग बना करके या दीमक की मिट्टी की लिंग बना करके 5 दिन 3 दिन या फिर विशेष किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के भगवान शंकर का पंचोपचार शुष्पचार पूजन करें और भगवान शंकर प्रसन्न होते तो इस रोग से हमको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन विशेष यह है पूजा विधि तो आप सब लोग जानते हैं सब करते हैं लेकिन इसमें राग और द्वेष से मुक्त होकर के यदि शंकर की पूजा करें तो भगवान शंकर उस पूजा को स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे देश और प्रदेश की सरकारों ने कोरोना महामारी पर बचने के लिए अथक प्रयास किए
लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार का सहयोग करें, गाइडलाइन का पालन करें, इस कोरोना महामारी से हम बच सकते हैं। तो भगवान शंकर की हम विशेष पूजा करें, इस महामारी से हम निश्चित रूप से बच सकते हैं। जैसे महाराज जी ने वृंदावन से कहा, हम उनके वासी कुछ समर्थन करते हैं और योग्य बात है, शास्त्रीय बात उनकी बात मान्य है, इसलिए ऐसा अगर सरकार करे तो निश्चित से इस महामारी से हम बच सकते हैं। धन्यवाद। मैं चलता हूँ गीता भवन। आचार्य थपलियाल जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ जी, जी पहुंच रही है। आचार्य जी, आप हमारे चर्चा के द्वितीय चरण में कोरोना विषय पर अपना मंतव्य रखें। आज ही कोरोना जो है ना, ये मनुष्य की एक महत्वाकांक्षा जब बढ़ जाती है, और भगवान ने गीता में बहुत सुंदर कहा है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ आत्मा करता हम इति मन्यते। अरे जब प्रकृति के सभी पंच महाभूतों ने अपने धर्म को और अपने गुण को नहीं छोड़ा, पृथ्वी ने अपनी सुगंध नहीं छोड़ी, जल ने अपनी शीतलता नहीं छोड़ी, वायु ने अपना समरूप स्पर्श नहीं छोड़ा, और आकाश ने अपनी अमृत वाणी शब्द को नहीं छोड़ा, अग्नि ने अपने तेज को नहीं छोड़ा, लेकिन मनुष्य ने, इन पंच महाभूतों से बने हुए मनुष्य के इस विकारी शरीर ने प्रकृति को छोड़ दिया, इसके गुणों को छोड़ दिया, और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मोह सकल व्याधिन करमूला तिनते पुनि उपजय बहुसूला। ये मनुष्य की वैयक्तिक सोच, उसकी महत्वाकांक्षा ने ये इस प्रकार के रोग जो है इस समय निमंत्रित किए, ये हमारे ही कर्म है। और लक्ष्मण जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि नहीं काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज हम जो भोग रहे हैं, ये कोरोना रूपी जो रक्त बीज राक्षस है, इसके लिए हम सबको भवानी शंकर का भगवान शिव और माँ जगदम्बा का जो है पूजन करते हुए, और सबसे पहले आत्मसंयम। हम अभी सुन रहे थे वक्ताओं के माध्यम से कि सरकार इसका ध्यान रखे, सरकार अलग नहीं है, सरकार आप और हम ही है, हम सब। सरकार तो बार बार हमको निर्देशित कर रही है कि भाई अभी तक कोई दवाई नहीं बनी, आप आत्मसंयम कीजिए, और आत्मसंयम करने के लिए हम सबको सबसे पहले दूरियां रखनी पड़ेगी। हमें अपने बहुत सारी जो मन चली भावना, हम भ्रमण करते रहते, चलते फिरते रहते, उसको हमको कुछ समय के लिए, ये भगवान ने एक समय दिया है आराधना करने के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए। प्रकृति के दो रूप हैं, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति निरंतर सेवा दे रही है, लेकिन चेतन प्रकृति में मनुष्य विशेष करके बहुत स्वार्थी बन गया है, और उसी का ये परिणाम है कि कोरोना रोग आया है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आत्मसंयम से रहिए, और सबसे पहली बात कि आप जो है पंचगव्य, गोमयम गोमूत्रम च दरी सर्पी कुतोदकम, आप पंचगव्य का सेवन कीजिए, आप जो है तुलसी का सेवन कीजिए, गिलोई का सेवन कीजिए, और आप सबसे पहले ये भी तभी जाकर के लाभ करेंगे जब आप दूरी बना करके चलेंगे और आप मास्क लगा करके चलेंगे। निश्चित ही इस रक्त बीज रूपी कोरोना राक्षस को मारने के लिए आत्मसंयम रूपी जो माँ भगवती की आराध्या शक्ति हमारे अंदर आलादित होती है, वो उस शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। और विशेष करके हम लोग राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, नगर स्तर पर हम लोग हवन यज्ञ करें और भगवती माता को प्रसन्न करें, तभी ये रक्त बीज रूपी कोरोना रूपी राक्षस समाप्त होगा। मैं पुनः आपके इस टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सबकी जो बातें आप सबने की है उसके उन बातों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने हमें यहाँ पर बुलाया विश्व हित के लिए, जगत हित के लिए, देश हित के लिए और समाज हित के लिए, आपने ये विचार रखा श्रावण मास और कोरोना मास। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया वृंदावन से स्वामी जी की लेना चाहूंगा। स्वामी जी एक मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दें कि किस प्रकार से कोरोना से बचा जा सकता है आयुर्वेद की दृष्टिकोण से। आपने मुझे बोला स्वामी जी, राधाकांताचार्य जी, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किस प्रकार से कोरोना से बचा जा सकता है, एक मिनट में। देखिए, देश की दृष्टिकोण की दृष्टि से कोरोना से जो बचने के विषय में जो बात है, तो देश के सभी कंट्री के जो लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक के साथ में सभी ने गाइडलाइन तो जारी कर ही दिया, और यह गाइडलाइन आज
स्वामी जी मेरी बात सुने, लगता है आप सुन नहीं पाए। मैंने पूछा आयुर्वेद की दृष्टिकोण से कोरोना से कैसे बचें, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अपना मन तब एक मिनट में रखें। एकदम इस महामारी में आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए हमारे यहाँ जो देवता है भगवान धन्वंतरी, जिस आयुर्वेद जहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो आयुर्वेद भी उन देवताओं से ही प्रणीत है। तो इसीलिए जो अभी बहुत सारे वाद विवाद जो चल रहे थे देश में आयुर्वेद को लेकर के, तो इसलिए आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारे यहाँ के जितनी भी वनस्पतियां हैं, इसलिए वेदों में मंत्र भी आया है वनस्पति के विषय में, तो जितनी भी वनस्पतियां हैं उसमें कोई ना कोई जो है दैवीय ताकत है जो मानव के स्वास्थ्य वर्धक हैं। तो अतः उन्हें अच्छे आयुर्वेदों के लिए आयुर्वेदाचार्यों के माध्यम से उन्हें खोज करके, उन्हें अन्वेषित करके, और आयुर्वेद कभी भी नुकसान नहीं करता है, तो इसलिए उसको जानते हुए समझते हुए और आयुर्वेद को विश्व पटल पर रखते हुए हम सभी को आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, और आयुर्वेद का रसपान करते हुए उसके द्वारा हम अपने जीवन को, हम अपने समाज को, हम अपने देश को, हम अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं। इसलिए अपने अगले पैनलिस्ट के पास स्वामी जी हमारे साथ हैं आचार्य सुभाष समोली जी। एक मिनट में आयुर्वेद की दृष्टिकोण से कोरोना से कैसे बचा जाए, एक मिनट में। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि वास्तव में धन्वंतरी भगवान ही आयुर्वेद के मूल हैं, और यहीं से आयुर्वेद और औषधियों का कार्य प्रारंभ हुआ है। यद्यपि आज के काल में आप हम सभी लोग जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां सारे विश्व भर में व्याप्त हैं, लेकिन दोबारा लोग मुड़ करके आयुर्वेद की तरफ ही अपना मुख ताक रहे हैं। और वर्तमान की परिस्थिति में भी कई देश वैक्सीन का प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन मूलतः और जो निदान आयुर्वेद के द्वारा इस कोरोना नामक महामारी के लिए प्राप्त हो सकता है, संभव नहीं कि वो अन्य दूसरी चीज से प्राप्त हो सके, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद और धर्म जगत से जुड़े गए हैं, इसलिए हमें आयुर्वेद पर पूर्ण विश्वास भी है। और कई प्रकार के, जिस प्रकार से आयुर्वेद के लिए कहा है कि गिलोय का रस हो गया, हल्दी का उपयोग हो गया, अदरक का उपयोग हो गया, इन सब का काढ़ा बना करके पीना, वर्तमान में भी ये लाभदायक है, और आगे भी हमको लगता है कि आयुर्वेद में इसका सटीक निदान और सटीक उपचार प्राप्त हो सकता है। आचार्य चंद्र प्रकाश मंगाई जी, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? कोरोना से बचने के लिए वर्तमान में जो विश्व के ऊपर जो संकट है, इससे बचने के लिए, इसमें सुधार के लिए आयुर्वेद एक सर्वोत्तम एक औषधि है, सर्वोत्तम एक निदान इसके लिए है। और वैसे तो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, सभी में इसका निदान है ही, लेकिन आयुर्वेद की जो औषधियां होती है मूलतः, जैसे कि एक पेड़ को उखाड़ना होता है तो जड़ से उखाड़ देते हैं, और एक पेड़ को उखाड़ना होता तो उसको आधे में काट करके उसको गिरा देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमको जो अगर कोई बीमारी है तो उसको इस तरह से जड़ से उसको समाप्त कर दिया जाता है कि ताकि वो दोबारा से पनप ना पावे और वह बीमारी वहीं पर समाप्त हो जाए। इसी तरह से आयुर्वेद जो है अपने में एक अहम भूमिका रखता है, और इसका निदान इस कोरोना जैसे महामारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। गिलोय का रस, जैसे कि गिलोय का रस हो गया, या अपने तेज पत्ता हो गया, लौंग होगी, इलायची होगी, इसका शरबत हो के जितना हो सके हम अपने शरीर को गर्म करके रखें, तेज तत्व अपने अंदर बढ़ा करके रखें, ताकि अपने गले को गर्म करके रखें, ताकि ये जो वायरस है, जो ये संक्रमण है, हमारे नासिका चित्र से, हमारे वायु के माध्यम से, हमारे चक्षुओं के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश न कर पाए, इसलिए सावधानी हमको रखनी पड़ेगी इसके लिए। और विशेष करके जो जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भगवान के शरण में जाकर के निश्चिंता होकर के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं गतः, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हमने कई दृष्टांत और कई उदाहरण इस बीच में देखे हैं कि एक परिवार में एक व्यक्ति पर अगर इसके लक्षण पाए गए और बाद में पता लगा कि उस केवल उसी व्यक्ति पर लक्षण पाए गए, बाकी सारा परिवार या अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं सब सुरक्षित हैं, तो ये बड़ा चमत्कार होता है। भगवान की शरण में जाकर की ही जो है निश्चित रूप से इससे निदान हमको प्राप्त हो सकता है।
उग्रवीर्यं महाविष्णुं ज्वलन्तं स्रोतोमुखं निसिंगं भीष्णं भद्रं मृत्युं नमाम्यः इत्यादि कई मंत्र इसके लिए होते हैं, औषधियों का जो एक काम करते हैं हमारे शरीर के। आचार्य विजेंद्र मंगाई जी, आप अपना मंतव्य रखें, कोरोना से कैसे बचा जाए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। धन्यवाद। पहले काल में हमारे ऋषि और महर्षि ने आयुर्वेद की शोध किया और उसको औषधि के रूप में समाज में उसको जो है वितरित किया, उसको बताया। और इसमें आप कड़ोई, अपीस, गिलोय, तुलसी के पत्ते, गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा, जहां तक है दूरी बनाकर रखी, आप मंदिर में जाएं या घर किसी दुकान में जाएं, बाजार में जाएं, दूरी बनाकर रखी तो इससे हम बच सकते हैं। आचार्य भगवती प्रसाद थपलियाल जी, आप एक मिनट का समय लेते हुए आप बताएं कि आयुर्वेद से कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं। आचार्य भगवती प्रसाद जी, मेरी आवाज जा रही है? आयुर्वेद का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो ये है कि ब्राह्मे मूर्ते या निद्रा सात पुण्य क्षय कारणी, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमेशा ठंडे पानी से नहाओ और सेवन में गर्म पानी करो। वो 100 वर्ष जीता है जो ठंडे पानी से नहाता है और खाने के बाद हर समय उष्ण जल, ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए फ्रिज का वगैरह का, और आप जितना हो सके जो उबला हुआ जल है, बॉयल जल है, उसको आप ठंडा करके पी सकते हैं, उससे आप 100 वर्ष जियेंगे। और जित श्वास, जित आसन, योग और आयुर्वेद दोनों को जो है हमारा यही है कि आप सबसे पहले स्वस्थ रहते हुए, आत्म संयम रखते हुए आप पूरी जनता को, मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हम सबसे पहले आसन करें। समय की अपनी और आचार समय की अपनी गरिमा और मर्यादा होती है। मैं कहना चाहूंगा वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है और आप सब हमारे दर्शक, आईटीवी हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं देश विदेश में, असंख्य संख्या में दर्शक भगवान शिव जी की आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक इत्यादि करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप सब गिलोय का काढ़ा बना करके पीते रहें, दिन में कम से कम 3-4-5 बार 2 ग्राम या 3 ग्राम अजवाइन लेकर के उसको चबा करके उसका रस अंदर करते रहें, साथ में तुलसी का प्रयोग करें, नीम का प्रयोग करें और दालचीनी, अजवाइन इत्यादि मिला करके बढ़िया काढ़ा पिए और नित्य प्रति योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, अपना जो है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें। और साथ ही बताना चाहूंगा मैं कि आप सब प्राणायाम के माध्यम से अपने को आरोग्य में जीवन दे सकते हैं, कोरोना के प्रकोप से बच सकते हैं, विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जो धर्मगुरु धर्माचार्य जुड़े, और मैं अपने आईटीवी हिंदुस्तान चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे आचार्यों को श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मिलेंगे, नमस्कार। ये है जेएमडी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।